नमस्कार, मैं हूँ राजवी व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन, कांग्रेस को 17 सीटें देगी समाजवादी पार्टी। भावनगर में जीएसटी चोरी करने वालों पर प्रशासन का एक्शन, गुजरात में पहली बार गुस्सी टॉक अंतर्गत कार्यवाही। बड़ोदरा में टेक्निकल हाई स्कूल की इमारत धराशाही, टल गई बड़ी दुर्घटना। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच चल रही तनातनी की अटकलों पर अब विराम लग गया है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन फाइनल हो गया है। सपा और कांग्रेस मिलकर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, जिसकी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद पुष्टि की है। इस संबंध में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे बीच कोई विवाद नहीं है, गठबंधन होगा और जल्द ही सारी चीजें साफ हो जाएंगी। बाकी चीजें तो पुरानी हो गई हैं, क्योंकि अंत भला तो सब भला। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए, समय आने पर लोगों को जिम्मेदारी भी दी जाएगी। कांग्रेस से गठबंधन होगा? होगा। कब तक क्लियर होगा? बहुत जल्दी सर। जिस तरह से कांग्रेस और सपा से पार्टी छोड़ छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इस नजरिए से देखते हैं ये सब वापस आ जाएंगे सर लोकसभा के चुनाव में? और वो नहीं आएंगे, उनके खिलाफ वाले सब वापस आ जाएंगे। इतना तो राजनीति आप ही समझते हो। बीजेपी पर राम मंदिर का मुद्दा था, इसके बाद अब क्या मुद्दा लेके चले? कांग्रेस से गठबंधन होगा? होगा। कब तक क्लियर होगा? बहुत जल्दी सर। जिस तरह से कांग्रेस और सपा से पार्टी छोड़ छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इस नजरिए से देखते हैं ये सब वापस आ जाएंगे सर लोकसभा के चुनाव में? और वो नहीं आएंगे, उनके खिलाफ वाले सब वापस आ जाएंगे। इतना तो राजनीति आप ही समझते हो। बीजेपी पर राम मंदिर का मुद्दा था, इसके बाद अब क्या मुद्दा लेके? गुजरात के भावनगर में जीएसटी चोरी करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लेने की शुरुआत की है, जिससे जीएसटी की चोरी करने वालों में हड़कंप मच गया है। भावनगर में जीएसटी की चोरी करने वालों के खिलाफ प्रशासन इन दिनों हरकत में है। नकली बिल मामले गुत्सी टॉक एक्ट के तहत भावनगर में जीएसटी चोरी करने वालों पर कार्यवाही की जा रही है। गुजरात में पहली बार जीएसटी में गड़बड़ी करने वाले लोगों पर गुत्सी टॉक के तहत कार्यवाही और गिरफ्तारी तक हो रही है। स्टेट जीएसटी विभाग भावनगर पुलिस के साथ मिलकर इस कार्यवाही को अंजाम दे रहा है, जिसमें आधार कार्ड के दुरुपयोग के साथ किए गए जीएसटी चोरी का घोटाला उजागर हुआ है। इस घोटाला में शामिल 20 लोगों पर कानूनी कार्यवाही की गई है, जो गरीब और जरूरतमंद वर्ग के लोगों को पैसों का लालच देकर आधार केंद्र ले जाते थे और उनके बायोमेट्रिक के आधार पर दस्तावेजों में गड़बड़ी कर पान और जीएसटी नंबर प्राप्त कर पूरे घोटाले को अंजाम देते थे। इन 20 में से 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात के डांडिया बाजार इलाके में सरकारी टेक्निकल हाई स्कूल का खस्ता हाल हिस्सा बीती रात धराशाही हो गया। हरनी बोट दुर्घटना के बाद गुजरात के बड़ोदरा में खस्ताहाल इमारतों पर लगातार एक्शन जारी है और इसी बीच ये दुर्घटना सामने आई है, जिसमें सरकारी टेक्निकल हाई स्कूल का खस्ताहाल हिस्सा बीती रात धराशाही हो गया। ये टेक्निकल हाई स्कूल सन 1960 में बनाई गई थी। इस इमारत का एक हिस्सा धराशाही होने से हड़कंप मच गया। यहाँ सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक करीबन 200 छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं। अच्छी बात यह रही कि दुर्घटना रात के वक्त घटी होने की वजह से छात्रों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अगर यह दुर्घटना दिन में घटती तो छात्रों की जान पर खतरा बन सकता था। स्कूल का हिस्सा धराशाही होने के बाद कॉरपोरेशन द्वारा फौरन एक्शन दिखाते हुए इस इमारत को ध्वस्त कर देने की कार्यवाही शुरू की गई। हाल ही में वडोदरा हरनी बोर्ड दुर्घटना का शिकार बना है। अगर यह घटना दिन के समय में घटती तो शहर को एक और दुर्घटना का गवाह बनना पड़ता। आम आदमी पार्टी के गुजरात के डेडियापाड़ा के विधायक और भरूच लोकसभा सीट के प्रत्याशी चैतर वसावा ने विधानसभा में टेट टाट पास उम्मीदवारों की नियमित शिक्षक के रूप में भर्ती कराने की मांग की है।
जे शिक्षण और आदिजाति विकास विभाग बजेट पर चर्चा दिवस हतो त्यारे शिक्षण में 11,463 करोड़ वधारो करीने 55,114 करोड़ बजेट करवामां आव्युं छे। त्यारे कायमी शिक्षकों की भर्ती थाय, टेटटाट पास उम्मीदवारों ने भर्ती करवामां आवे कायमी शिक्षक तरीके एवी अमे मांगणी मूकी छे। साथे साथे बाळकोना आवा जवा माटेनी मुसाफरीनी व्यवस्था थाय एनी पण मांग करी छे। जे पण प्रवासी शिक्षकों हता एमनो पगार पण बाकी छे एनी पण अमे वेला तके निराकरण लावामां आवे एनी वात मूकी छे। ओरडाओ बनावामां आवे, आश्रम शाळाओना ओरडाओ सारा बनावामां आवे अने भौतिक सुविधाओ विकसावामां आवे ए प्रकारनी मांगणी अमे माननीय मंत्रीश्री समक्ष मूकी छे। साथे साथे आदिजाति विकास विभागमां चालू नाणाकीय वर्षमां 4,374 करोड़नी जोगवाई करवामां आवी छे। त्यारे देशनी आजादीमां देशना विकासमां खूब मोटुं योगदान आपनार आदिवासी समुदायमां જ્યારે આટલા મોટા પ્રોજેક્ટો હોય છતાંય આજે જે પરિસ્થિતિ છે એ પરિસ્થિતિ ત્યાં અમે ગૃહમાં રજૂ કરી છે અને આ પ્રોજેક્ટોમાં જમીનો સંપાદન થયા છે એ ડેમોમાં હોય, નહેરોમાં હોય, રેલવેમાં હોય કે હાઈ ટેન્શન લાઇનોમાં હોય તો એમને સમયાંતરે યોગ્ય વળતર મળે એ વાત અમે ગૃહમાં મૂકી છે। સાથે જીએમડીસી લિગ્નાઇટ પ્રોજેક્ટ રાજપારડી એકમાં જે ગામો વિસ્થાપિત થયા છે એમના પુનર્વસન માટે, એમને નોકરી માટે અને એમને 500 સ્ક્વેર મીટરના જે પ્લોટોની સરકારે બાહેદરી આપી હતી છતાંય આજ દિન સુધી નથી મળ્યા એની વાત મૂકી છે। અને જે બીજો જીએમડીસી લિગ્નાઇટ પ્રોજેક્ટ રાજપારડી 2 આવે છે એમાં આમોદ, દમલાઈ, મોરણ, પડવાણ, પડવાણિયા, સિયાલી ગ્રામ પંચાયતો જે વિસ્થાપિત થાય છે એમને પણ યોગ્ય વળતર મળે એ વાત અમે ગૃહમાં આજે વાત મૂકી છે। સાથે વડોદરા મુંબઈ એક્સપ્રેસ હાઈવેમાં સુરત, નવસારી અને વલસાડ જિલ્લાના ખેડૂતોને સ્ક્વેર મીટર પર સ્ક્વેર મીટરે 900 રૂપિયાનું ચૂકવણું કરવામાં આવ્યું છે। જ્યારે ભરૂચના ખેડૂતોને સાથે અન્યાય થઈ રહેલો છે, 32 પૈકી 30 ગામોને પણ અન્યાય કરવામાં આવ્યો છે અને જૂના દીવા અને પૂના ગામના ખેડૂતોને પણ આજ દિન સુધી વળતર નથી મળ્યું તેની પણ વાત મૂકવામાં આવી છે। સાથે વનબંધુ કલ્યાણ યોજનામાં આદિજાતિ વિભાગ દ્વારા 1,00,000 કરોડની વપરાશ કરવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે। ગત વર્ષે 23-24 માટે 18,755 કરોડની જોગવાઈ કરી છે ત્યારે આ ગ્રાન્ટ ગુજરાત પેટર્ન હોય, મુખ્યમંત્રી ઉત્કર્ષ યોજના હોય, પ્રધાન આદિ આદર્શ ગ્રામની યોજના હોય, આદિમ જૂથ હોય, હડપતિ સર્વાંગી વિકાસ જેવી તમામ યોજનાઓમાં ગ્રાન્ટ સાથે અહીંથી એનજીઓ કોન્ટ્રાક્ટરો ત્યાં આવીને અધિકારીઓ સાથે મળીને ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ભ્રષ્ટાચાર કરે છે, નકલી કચેરીઓ ખોલવામાં આવે છે અને ગ્રાન્ટને સગે વગે કરવામાં આવે છે, જે બાબતે પણ યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા બાબતે સરકારશ્રીનું ગૃહમાં ધ્યાન દોર્યું છે। સાથે આદિવાસી વિકાસ વિભાગ દ્વારા જેટલી પણ જગ્યાઓ ખાલી છે તે તાત્કાલિક ધોરણે ભરવામાં આવે, શિષ્યવૃત્તિ સમયે મળે, ફ્રીશિપ કાર્ડ ની જે મર્યાદાઓ છે જે દૂર કરવામાં આવે એ વાત પણ અમે મૂકી છે। સાથે આદિવાસી જે સાચા છે એમને જાતિના પ્રમાણપત્રમાં તકલીફો પડે છે દૂર કરવામાં આવે અને ખોટા સર્ટીઓ જે આપવામાં આવ્યા છે એની તપાસ કરીને યોગ્ય દિશામાં કાર્યવાહી કરવાની અમે માંગણી આજે કરી છે। गुजरात के वडोदरा में जैन समाज की शोभा यात्रा में हाथी लाने पर फॉरेस्ट विभाग द्वारा कार्यवाही की गई। वडोदरा में आज एक अजीबोगरीब खबर सामने आई, जहां जैन समाज की शोभा यात्रा में शामिल हाथी को फॉरेस्ट विभाग द्वारा जब्त कर लिया गया। शोभा यात्रा में हाथी को शामिल करने की परमिशन नहीं होने पर फॉरेस्ट विभाग में कार्यवाही करते हुए हाथी को जब्त कर लिया गया। ये शोभा यात्रा वडोदरा की सड़कों पर लोगों के बीच से गुजरने वाली थी। ऐसे में अगर हाथी कोई उत्पात मचाता है तो बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है। ऐसे में फॉरेस्ट विभाग द्वारा हाथी के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए 60 साल की उम्र की कृपा नामक हाथनी को फॉरेस्ट विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है। આજે સવારે લગભગ 10:30 વાગે ફોન આવ્યો હતો કે ગંગોત્રી પાસે કોઈ પ્રોસેસન સરઘસ નીકળ્યું છે, એમાં એક હાથી લાવવામાં આવ્યા છે। તો એવી જાણ થતાં અમે તુરંત અમારા સ્વયંસેવક રમેશને સ્થળ પર મોકલ્યો હતો અને તપાસ અને ખાતરી કરતા એક હાથી હતો
તો મેં એને કીધું કે તું હાથી પાસે જે બી પરમિશન અને કાગળિયા હોય એ તું જો કે ભાઈ કોની કોની પરમિશન છે. તો એને પરમિશન બતાવવાનો ઇન્કાર કર્યો પહેલાં, પછી ફરીથી એને ફોર્સફુલી કહેતા પરમિશન જે આયોજકો છો એ લઈને આવ્યા પોલીસની. તો પોલીસની પરમિશનમાં હાથીનો કોઈ ઉલ્લેખ નહોતો, બાકી બળદ, ઘોડા, બકરા જેવા જાનવર જે પાલતુ જાનવર છે એનો ઉલ્લેખ હતો, પણ હાથીનો ઉલ્લેખ નહોતો. તેથી એ ગેરકાયદેસર કહેવાય. બીજું કે ફોરેસ્ટે અમદાવાદથી વડોદરા સુધીની ટ્રાન્ઝિટ પરમિટ એને વાહતુક પાસ આપેલો છે, એમાં બી લખેલું છે કે તમે જ્યારે કોઈ બી જગ્યાએ એટલે તમે હાથી લઈને રખડશો તો તમારે બે વેટરનરી ડૉક્ટર ગનવાળા રાખવા પડશે એને સેડેશન માટે, બેભાન કરવા માટે કે જો હાથી ગાંડો થાય. એટલે આમાં એક જ વસ્તુ છે કે ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ એને પ્રોસેસન કાઢવાની પરમિશન આપી ના શકે, ખાલી પોલીસ આપી શકે છે. એટલે આમાં જે ગુનો દાખે છે, જે જાનમાલની નુકસાની થાય તો એની જવાબદારી પોલીસ લેવા તૈયાર નથી, નથી કે ફોરેસ્ટ. બેઉ બાજુથી આ લોકોને ઠોસા મારી અને હાથીને બિચારાને વગોવે છે. માટે અમારી એક જ રિક્વેસ્ટ છે કે ભાઈ પોલીસ કેસ થવો જોઈએ અને ફોરેસ્ટને કેસ કરી હાથી જપ્ત કરી અને યોગ્ય સ્થળે ખસેડવો જોઈએ. ઇસ મામલે નવાપુર પોલીસ દ્વારા હાથી કે માલિક કે ખિલાફ કાનૂની કાર્યવાહી ભી કી ગઈ. વીએનએમ ટીવી પર વક્ત હૈ એક છોટે સે બ્રેક કા. બ્રેક કે બાદ જલ્દ હાજર હોંગે કુછ ઓર ખબરો કે સાથ. બને રહીએ હમારે સાથ. Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. Bharat le raha hai electric angdai. You know hum saath chale, saath chale. साथ बढ़े देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. Every new year, we take a new year resolution. New year resolution ka matlab hota hai upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities and a great space to live. Come check it out. गुजरात के वडोदरा में ट्रैफिक की समस्या हल करने के लिए ब्रिज बनाए गए हैं, लेकिन ब्रिज पर अक्सर हादसों की खबर सामने आती रहती है. वडोदरा के पुराने ब्रिज में से एक पंड्या ब्रिज अक्सर हादसों का गवाह बनता है. आज भी एक ट्रक ने फोर व्हीलर गाड़ी को टक्कर मार दी जिससे कार पलट गई. अच्छी बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, पर हादसे को अंजाम देकर ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. इस दुर्घटना के चलते वडोदरा के पंड्या ब्रिज के साथ साथ अटल ब्रिज पर भी ट्रैफिक की समस्या दिखने मिली जिसमें कई वाहन चालक फंस गए.
હું આ તરફ જ જતો હતો અને એ ગાડી પાછળ હતી, મારી ગાડી આગળ હતી, એને પાછળથી ઠોકી અને પાછળ મારી ગાડી એને પછી એને લીવર આપ્યું હશે તો ગાડી ફરી ગઈ, એ ભાગી ગયો. गुजरात का वडोदरा शहर कहने को तो स्मार्ट सिटी है, लेकिन यहाँ शहर के लोगों को शुद्ध पानी भी कॉरपोरेशन मुहैया नहीं करा पाता है. वडोदरा के गोरवा इलाके में उदय पार्क सोसाइटी है, जहाँ पिछले 15 दिनों से दूषित पानी की समस्या से लोग परेशान हैं. 15 दिनों से यहाँ के लोगों के घरों में दूषित पानी आ रहा है, जिस पर वडोदरा कॉरपोरेशन से शिकायत भी की गई है, लेकिन कार्यवाही के अभाव में यहाँ के लोगों ने स्वच्छ पानी दिए जाने की मांग के साथ मटका फोड़ प्रदर्शन किया. ગંદુ પાણી આવી રહ્યું છે, અમે વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાંય કોઈ ધ્યાન પણ લેતું નથી. સવારે ઓનલાઈન કમ્પ્લેન કરી તો અરવિંદભાઈ કરીને કોઈ ભાઈ આવ્યા, એમણે કહ્યું કે થોડો ટાઈમનો પ્રશ્ન છે, સોલ્વ થઈ જશે, પણ એવી વાત નહીં. આજે 10-15 દિવસ થઈ ગયા, કોઈ હજુ સોલ્યુશન લાવતું નથી. રજૂઆત તો ઓનલાઈન જ કરી છે, કોર્પોરેશનને જ કરી છે, પર્સનલી કોઈને નથી કરી. કેમ કે આમાં કેવું છે કે અમે ભાજપમાં કોંગ્રેસમાં એવું કશું માનતા નથી, મેઇન કોર્પોરેશનમાં અત્યારે અમારે લડત છે, એટલે જે કોર્પોરેશનમાંથી જે ઉકેલ લાવે એ સાચી વાત છે. કોંગ્રેસવાળા ચાહે લાવે ચાહે ભાજપવાળા લાવે, કે કોર્પોરેશનમાં જે કંઈ 9 નંબરમાંથી વોર્ડમાંથી બધા જે આવ્યા છે હોદ્દેદારો ચૂંટાઈને, એ લોકો કોઈ ઉદય પાર્કમાં ફરકવા તૈયાર નથી. એટલે પબ્લિક બરાબર નહીં રોષે ભરાઈ છે, ગંદકી એટલી વધી જાય છે, ગટરો એટલી ઉભરાઈ જાય છે, પ્લસ આ પાણીનો પ્રશ્ન છે. આજે પાણીના પ્રશ્નને લઈને અમારે આગળ થવું પડ્યું. ગંદકી તો માનીએ કે જ્યારે કોર્પોરેશનમાં અરજી કરીએ તો એક દિવસ માણસ મોકલે છે, સાફ કરાવી લે છે, કે અંદર ના આવે માણસો, તો માણસો બધા બહાર બેઠા બેઠા બીડી ફૂંકી ખાય છે, એક નાસ્તા કરી ખાય છે, પણ માણસો મોકલવા તૈયાર નથી સાફ સફાઈ માટે. ચૂંટણીમાં તો હવે આ વખતે પબ્લિકને કોઈ ઉદય પાર્કની પબ્લિકને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. લોકસભા કા ચુનાવ નજદીક હૈ, એસે મે દૂષિત પાણી કી સમસ્યા સે નિજાત નહીં મિલને પર લોકસભા ચુનાવ કે બહિષ્કાર તક કી બાત યહાં કે સ્થાનીય નિવાસી કર રહે હૈ. છેલ્લા એકાદ મહિનાથી પાણી એટલું ગંદુ આવે છે, એને લઈને છોકરાઓને મોટાઓને બધાને ખાંસી શરદી ઝાડાનો પ્રોબ્લેમો છે. જે પંપવાળા છે એમને વાત કરી તો એ લોકો ધમકી આપે છે કે પાણીનો ફોર્સ ઓછો કરી દઈશું, પાણીમાં કાપ મૂકીશું, આ રીતની કમ્પ્લેનો અમે કરવા જઈએ એટલે આ રીતનો અમને જવાબ આપે છે. અને જો આના સામે કોઈ પગલાં લેવામાં નહીં આવે તો આ ચૂંટણીમાં અમે બહિષ્કાર કરીશું બધાનો. વડોદરા મહાનગરપાલિકા કે ઇલેક્શન વોર્ડ નંબર 9 મેં આવી ગઈ. उदय पार्क और आसपास की कहीं सारी सोसाइटी के अंदर पिछले 15 दिन से पूरा पानी एकदम दूषित आ रहा है. बार बार यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उन्होंने जो चुटाए प्रतिनिधि है और वहीवट की जो प्रक्रिया है उन सबको पार करा, फिर भी कोई उकेल नहीं आया. आज हमने मटकले फोड़ के ये विरोध प्रदर्शन किया है और हमारी एक ही मांग है कि यहाँ पीने का जो पानी है वो अच्छा मिलना चाहिए, पीने लायक मिलना चाहिए. एक बाजू हमने 5,000 से ऊपर का बजट बनाते हैं, 24/7 की बात करते कि 24/7 आपको पानी मिलेगा, लेकिन यहाँ एक टाइम पानी मिलने की भी पोजीशन नहीं है और यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है. बार बार यहाँ पर लोग उग्र आंदोलन की भी चिमकी दे रहे हैं. इंटरटेनमेंट की दुनिया में एक बार फिर सन्नाटा छा गया है. जाने माने रेडियो होस्ट अमीन सयानी का 91 की उम्र में निधन हो गया है. जी हाँ बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त अमीन सयानी. थम गई रेडियो की ये मखमली आवाज. आज ये दौर खत्म हुआ. अमीन सयानी के निधन के साथ ही रेडियो के गोल्डन एरा की ये आवाज थम गई है. उन्होंने अपना करियर इंग्लिश ब्रॉडकास्ट के रूप में शुरू किया, वहीं आजादी के बाद वो हिंदी की ओर ट्रांसफर हो गए. उनका शो बिना का गीतमाला काफी पॉपुलर रहा था, जिसके साथ तमाम देशवासियों के इमोशंस जुड़े हुए हैं. जी हाँ, बरसों तक रेडियो पर सुनाई देने वाली ये आवाज अब थम गई है. आवाज के जादूगर रेडियो के प्रेजेंटर अमीन सयानी ने 91 साल की उम्र में जिंदगी को अलविदा कह दिया है. अमीन सयानी की आवाज ही उनकी पहचान थी, लेकिन इसकी शुरुआत आसान नहीं थी. एक नजर उनके सफर पर. अमीन सयानी कभी वे गायक बनना चाहते थे, लेकिन बाद में जाने माने ब्रॉडकास्टर बन गए. वे मानते थे कि अच्छी हिंदी बोलने के लिए थोड़ा सा उर्दू का ज्ञान होना जरूरी है. 21 दिसंबर 1932 को मुंबई में जन्मे अमीन मल्टी ल्यूंगल परिवार से थे.
उन्होंने रेडियो प्रेजेंटर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो से मुंबई से की थी। उनके भाई हामिद सयानी ने उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया था एज ए रेडियो अनाउंसर। 10 साल तक वे इंग्लिश प्रोग्राम्स का हिस्सा रहे। आज़ादी के बाद उन्होंने हिंदी की ओर रुख किया। इसके बाद उन्हें मिला जीवन का वो हिट शो जो मील का पत्थर बन गया। अब हम आपको बताते हैं कैसे शुरू हुआ था वो शो जिसका नाम था बिना का गीतमाला। इस शो की शुरुआत हुई साल 1992 में, जब एक एड कंपनी के अधिकारी जाने माने रेडियो सिलोन पर ग्राहकों के लिए हिंदी फिल्मों के गानों की एक सीरीज का प्लान बना रहे थे। एड कंपनी एक रासायनिक और फार्मास्यूटिकल ग्रुप के लिए विज्ञापन बना रही थी जो कई प्रोडक्ट के अलावा एक टूथपेस्ट भी बनाती थी। मशहूर रेडियो आर्टिस्ट हामिद सयानी द्वारा अंग्रेजी गीतों का एक शो रेडियो सिलोन पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। ऐसे में एड कंपनी को हिंदी फिल्मी गीतों की लोकप्रियता को देखते हुए हिंदी बाजार में कदम रखने का मन हुआ। एड कंपनी के इस प्लान के लिए कोई लेखक या कंपोजर तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि इस काम के बदले में मिलने वाला मेहनताना सिर्फ 25 रुपए था। ये रकम बहुत कम थी। अमित सयानी के भाई हामिद सयानी ने उनको जोर देकर इस काम के लिए तैयार किया। इस तरह एक लंबी पुरस्कृत रेडियो यात्रा की शुरुआत हुई अमीन सयानी के जीवन में, जिसका नाम था बिना का गीतमाला। 1986 में बिना का गीतमाला का नाम बदलकर सिबा का गीतमाला कर दिया गया। अमीन सयानी की बात करने की शैली पर फिदा थे उनके फैंस। अमीन सयानी, जिस तरह बहनों और भाइयों मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ कहकर अपने शो का आगाज करते थे, उसकी खूब सराहना की गई। शो की बढ़ती लोकप्रियता और श्रोताओं की भारी डिमांड पर इसे काउंटडाउन शो बना दिया गया था। रेडियो पर अपने पसंदीदा गाने सुनने के लिए लोग वोट करते थे। इसके बाद वोटिंग के आधार पर गाने चलाए जाते थे। हालांकि कई लोग अपना पसंदीदा गाने सुनने के लिए फर्जी वोटिंग भी करते थे। जब इस बात की जानकारी सामने आई तब इस शो का सेगमेंट खत्म कर दिया गया। आज इस आवाज की दुनिया के बादशाह हमें छोड़कर जरूर चले गए हैं, मगर उनकी आवाज और उनका अंदाज हमारे बीच हमेशा रहेगा। अमीन सयानी को VNM परिवार की ओर से श्रद्धांजलि। MSP समेत की मांगों पर हरियाणा से दिल्ली तक चल रहा किसानों का घमासान सरकार से बात नहीं बनने पर अब तेजी पकड़ रहा है। सरकार द्वारा किसानों की उचित सुनवाई नहीं होने पर पंजाब के 14,000 किसान 1200 ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर धीरे धीरे शंभू बॉर्डर से दिल्ली बॉर्डर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उधर किसान खनौरी बॉर्डर से भी हरियाणा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ 800 ट्रैक्टर इनके साथ है। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने 2 बार ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े। आंसू गैस से बचने के लिए किसानों ने स्पेशल मास्क, गीली बोरियां और चश्मे पहने। साउंड कैनन से निपटने के लिए किसान स्पेशल एयरबर्ड्स लेकर आए हैं। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने फिर से किसानों को बातचीत का न्योता भेजा। शंभू बॉर्डर पर किसान मीटिंग में केंद्र के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले 4 बार बैठकों का कोई नतीजा नहीं निकला है। किसान आंदोलन का आज 9वां दिन है। इस दौरान 2 पुलिसकर्मियों समेत 4 की मौत हो चुकी है। गुजरात के जूनागढ़ के मेंद्रा में किसानों ने 4 महीना पानी पिलाकर मशक्कत से गेहूं की फसल ली है, लेकिन उन्हें उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। मार्च महीना आने वाला है और समूचे सौराष्ट्र में किसानों की फसल तैयार है, जिसमें गेहूं, चने, धनिया समेत की फसल बिल्कुल तैयार है। वैसे इस बार खराब मौसम के चलते उत्पादन कम ही हुआ है और ऊपर से किसानों को गेहूं के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। 1 महीने पहले गेहूं के दाम 20 किलो के 500 से 600 रुपए थे, जो अब 400 से 460 रुपए जितने हो गए हैं। कड़ी मशक्कत से तैयार की गई गेहूं की फसल के उचित दाम नहीं मिलने से किसान परेशान है। मेंदरडा पंथक से समग्र सौराष्ट्र में आज घऊनो पाक तैयार थई गयो छे, पण कम नसीब ए छे के आज तमाम खेडूतोना घऊ तैयार थई रह्या छे त्यारे भाव गगड़ीने तळिया बेसी गयो छे। आथी एकाद महीना पहेला जे 20 किलो घऊना भाव
500 થી 600 હતા, આજ એ જ ઘઉંના ભાવ ખેડૂતોનો ભાવ તૈયાર થઈ ગયો ત્યારે ભાવ ઘટીને 400 થી 460 જેવું થઈ ગયું છે. ખેડૂતોએ 4 મહિના કડકડતી ઠંડીમાં પાણી વાર્યું હોય, તેમજ દવા ખાતર બિયારણ જેવાનો ખર્ચ કર્યો હોય, પણ આજ ખેડૂતોને ઓછા ભાવ મળવાથી એક તો ઉત્પાદન પણ ઓછું થયું છે, તેથી ખેડૂતોને નુકસાની વેઠવાનો વારો આવી રહ્યો છે. મોસમ મેં હો રહે લગાતાર બદલાવ ઓર આર્થિક દિક્કતો સે જૂઝ રહા કિસાન મુશ્કિલ સે ફસલ લેતા હૈ, લેકિન ઉચિત દામ નહીં મિલને સે અબ કિસાન ખેતી છોડ કર અન્ય વ્યવસાય કી ઓર આગે બઢને કે લિયે મજબૂર હૈ. VNM TV પર વક્ત હૈ એક છોટે સે બ્રેક કા. બ્રેક કે બાદ જલ્દ હાજર હોંગે કુછ ઓર ખબરો કે સાથ. બને રહીએ હમારે સાથ. ये पहल है बच्चों को अपने मनोभाव से अवगत कराने की. ये पहल है बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य समझाने की. ये पहल है नए समाज के रचनाकारों को मानसिक स्वस्थ बनाने की. ये पहल है VNM फाउंडेशन की, बच्चों को बेहतर कल की ओर ले जाने की. माना होटल्स एंड रिसोर्ट. राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार. राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति. माना होटल्स के लग्जूरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार. ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील. Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107-88800. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large-size apartments. Yeah, tamne mardse a grand living room with an amazing view. Sathe a comfortable dining area. A perfect kitchen for your perfect family. Now, 3 bedrooms of fellow bedroom with an amazing balcony view. Sathe the second bedroom, which is very comfortable, very cozy, and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand, and so beautiful. Best vada apartments ni hai chahiye, yahan tumne mara chahiye walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा में NPSS द्वारा 22 स्कूलों के नवीनीकरण का काम शुरू हो रहा है, जिसके चलते बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो इस पर ध्यान दिया गया. नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा 22 स्कूलों में मरम्मत का काम शुरू हो रहा है, जिसके चलते नेताजी सुभाष चंद्र बोस तांदलजा स्कूल के छात्रों को वैकल्पिक व्यवस्था मिलने तक घर पर पढ़ाने का निर्णय लिया गया है.
जिसे लेकर शहर के सामाजिक कार्यकर्ता अशफाक मलिक द्वारा शिक्षण समिति के अध्यक्ष मिनेश पंड्या को आवेदन दिया गया कि स्कूल के नवीनीकरण से उन्हें कोई परेशानी नहीं, लेकिन बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो इस बात का ध्यान समिति द्वारा रखा जाए। हमारा विस्तार नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो शाला है आ शाला अंदर छिल्ला लगभग 2012-13 थी सतत स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी की नोटिसो आ रही है, अत्यार सुधी मेंटेन नहीं थती। अत्यारे मेंटेनन्स काम चालू थी गयु एक खुशी की बात है। आ लड़ाई पछी एक वस्तु सारी थी कि भाई कोई मेंटेनन्स चालू थी गयु अने हरणी बोटकान जेवी दुर्घटना ना सर्जाय एना माटे ज अमे लोको आ शाळा ने बाबते रजूआत करवा आव्या छे। अने आजे अध्यक्ष श्री शिक्षण समितिना अध्यक्ष श्री मिनेश पंड्या जी ने मल्या छे, एमणे पण बाहेंदरी आपी छे, एमणे पण बहु पॉजिटिव एटिट्यूड में बात करी छे। पण प्रश्न ए छे कि आज थी शाळा घरे होम वर्क फ्रॉम होम जेवू शाळाना विद्यार्थीओने आपी दीधुं छे, एटले खास आजे आवानी जरूरत ऊभी थई। एनुं कारण छे कि 1-8 धोरणनुं बाळक હવે આ તો ગરીબ બાળકો, એમને ત્યાં ક્યાં ઇન્ટરનેટ, એમને ત્યાં ક્યાં તમે ઓનલાઈન ભણાવો છો, એટલે આ બધા પ્રશ્નો હતા, એટલે એમની સાથે ચર્ચા થઈ છે। એમને બેગલેસ ડેની ઉજવણી કરાવે છે એવું છે એમને કહેવું, પણ આગામી દિવસોની અંદર એ આ પ્રશ્નોનું સમાધાન કરશે અને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી આપશે અને ત્યાર મેન્ટેનન્સની કામગીરી ચાલુ થઈ ગઈ છે તે ત્યાર પછી શાળાને ત્યાં શિફ્ટ કરી અને મેન્ટેનન્સ વ્યવસ્થિત કરી દેશે એવું કીધું છે। શિક્ષા સમિતિને ભી ઇસ મામલે કો ગંભીરતા સે લિયા હૈ ઓર આશ્વાસન દિયા હૈ કે જલ્દ સે જલ્દ મરમ્મત કાર્ય પૂરા કર બચ્ચો કી પઢાઈ શરૂ કરાઈ જાયેગી। ત્યાંના એક એડવોકેટ વકીલ જે ત્યાંના આગેવાન છે એમના તરફથી એક રજૂઆત કરવામાં આવેલી કે નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝમાં બાળકો ભણી રહ્યા છે, 800 જેટલા બાળકો ભણી રહ્યા છે, એ લોકોની કોઈ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવાની હોય તો અમારા તરફથી પૂરેપૂરો સાથ અને સહકાર આપીશું, કાં તો શાળાને તાત્કાલિક રિપેરિંગ કરવાનું કે રીતનું આયોજન છે માટેનું એમને મને પત્ર આપેલો, એમને આખી વિગત એમને સમજાવીને એમને જણાવ્યું છે કે અમે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા બાર રૂપિયા રિપેરિંગની કામગીરી બી શરૂ કરી દીધી છે અને આજુબાજુમાં કોઈ શાળા નજીક છે કે કોઈ એનજીઓ દ્વારા કોઈ પ્રાઇવેટ શાળા મળી શકે છે એના માટેની ચર્ચા કરી શાળાના આચાર્ય જોડે, વાલીઓ જોડે, તમામ જોડે ચર્ચા કરીને આગળનું શું આયોજન થાય છે એના માટેની અમે રજૂઆત બી કરેલી છે। એમને મેં સમજાવ્યા છે કે તમારો બી સાથ સહકાર જરૂર છે, બાળકોના સ્વાસ્થ્યની સાથે સુરક્ષા સાથે શિક્ષણ પણ ના બગડે એ માટે તમારે બી સાથ સહકાર આપવો છે। એમને મને બાંહેદારી આપી છે અને અમને વિશ્વાસ આપ્યો છે કે કોઈ પણ પ્રકારની અમારી જરૂરિયાત હશે તો અમે એ પ્રમાણે કામ કરવા માટે તૈયાર છીએ। गुजरात के वडोदरा में नई पेंशन योजना के विरोध में सरकारी कर्मचारियों ने कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया। गुजरात के सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना को हटाकर फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग लंबे अरसे से कर रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में सरकारी कर्मचारियों ने भी फिर एक बार खुलेआम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वडोदरा के सरकारी कर्मचारियों ने भी गुजरात राज्य कर्मचारी महामंडल और गुजरात राज्य संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के आह्वान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग के साथ आवेदन दिया है। आज रोज गुजरात राज्य संयुक्त मोर्चो और गुजरात राज्य कर्मचारी महामंडल और ओपीएस टीम द्वारा कलेक्टर श्री ने आज रोज आवेदन पत्र आपवामां आव्युं। अमारी जे मांगणी छे ए जूनी पेन्शन योजना जे मूल स्वरूप में ज लागू करवामां आवे, साथे साथे जे नवा कर्मचारी निमायला छे एमने पण सरकार पेन्शन आपे अने साथे साथे गया वर्षे विधानसभा चूंटणी पहला सरकारश्रीनी 5 मंत्रीओनी टीम द्वारा जे सैद्धांतिक स्वीकार थयो छे एनामाना 2005 पहेला जे निमायला कर्मचारीओ छे एमनो परिपत्र तात्कालिक थाय अने त्यार पछीना कर्मचारीओने पण सरकार वहेली तके ओपीएस आपे एवी अमारी सौनी मांगणी छे। कारण के जो कर्मचारी 20 वर्ष, 25 वर्ष ने 30 वर्ष नौकरी करतो होय એ પેન્શનનો હકદાર છે, કારણ કે એની આજીવન અને એની રોજીરોટી એ પેન્શન ઉપર જ ચાલે છે। નેતાઓ એક દિવસ કે એક વર્ષ માટે સાંસદ સભ્ય બને કે ધારાસભ્ય બને જો એમને પેન્શન મળતું હોય તો અમે આટલા વર્ષો સુધી નોકરી કરી તો અમને કેમ નહીં, અને એ માંગણીને ધ્યાનમાં રાખીને અમે આ જૂની પેન્શન યોજના માટે લડત આપી રહ્યા છે, એટલે સરકાર વહેલી તકે અમારી આ માંગણીને પૂર્ણ કરે એવી અમારી ઈચ્છા છે। ગુજરાત કે સુરત મે મહાનગરપાલિકા કે બજેટ સત્ર કે દૂસરે દિન આમ આદમી પાર્ટી કે વિપક્ષ નેતા પાયલ સાકરિયા કો સદન સે સસ્પેન્ડ કર દિયા ગયા હે। ગુજરાત કે સુરત મહાનગરપાલિકા મે ઇન દિનો બજેટ સત્ર પર ચર્ચા ચલ રહી હે। सत्र के दूसरे दिन लोकहित में कई प्रश्न उठाने पर विपक्ष के नेता पायल साकरिया को सदन में सस्पेंड कर दिया गया, जिस पर विरोध जताते हुए आम आदमी पार्टी के सभी
सभी नगर सेवकों ने सामूहिक वॉकआउट कर विरोध प्रदर्शित किया। आम आदमी पार्टी के सभी नगर सेवकों ने गृह के बाहर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। गई काल थी हमें जो तो माननीय महेश्री एक मतलब 10 मिनिट ने मर्यादा बांधी दी थी कि सूरत महानगरपालिका नो करोड़ों नो बजेट छे ए विषय ऊपर 10 थी 15 मिनिट चर्चा करी सकशे, વધારે સમય ચર્ચા નહીં કરી શકે। સાથે સાથે આજે જ્યારે મને બોલવાની તક આપવામાં આવી ત્યારે પણ અગાઉ જ કહી દીધું કે ભાઈ અડધી કલાકની તક આપીશું અને ત્યારબાદ તમારે બેસી જવાનું અને અમે લોકોએ જ્યારે सूरत महानगरपालिकाना बजेट विषे चर्चा करी एक वर्ष दरमियान जेटला जेटला प्रोजेक्टो मुका हता केटला पड़ता मुकी देवाया अत्यार सुधीना जेटला प्रोजेक्टो हता ए लोकोने खाली लोभावा माटेना हता एक लॉलीपॉप समान हता ए तमाम प्रोजेक्टोना नाम साथे ज्यारे विगतवार माहिती सभा समक्ष अमे मुकी तो एमनाथी संभळायुं नहीं। साथे साथे ज्यारे बीजी वात करूं के सूरत महानगरपालिका द्वारा करोड़ो रूपियाना जे कांडो थई रह्या छे कोभांडो थई रह्या छे जेम के कचरा कांड होय જે પોતાના માનીતા વ્યક્તિને ડબલ ભાવે કરોડો રૂપિયાની નુકસાનીમાં સુરત મહાનગરપાલિકાની નુકસાનીમાં માનીતાને કોન્ટ્રાક્ટ આપી દેવાની વાત હોય કે પછી બીજા કોઈ પ્રોજેક્ટ હોય વર્લ્ડ બેંક પાસેથી કરોડોની લોન લેવાની વાત હોય કે પછી બોન્ડ બહાર પાડીને પૈસા લેવાની વાત હોય આ તમામ જે આખી વ્યવસ્થા જોવા જઈએ તો આવનારા સમયની અંદર સુરત મહાનગરપાલિકા દેવાળું ફૂકી દે એવી પરિસ્થિતિ છે। હાલની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે જે રેવન્યુ ઇન્કમ છે એની સામેના ખર્ચા છે એમાં સૌથી વધારે ખર્ચ મહેકમનો છે। મહેકમનો ખર્ચ 51% અત્યારે ઓન પેપર બતાવે છે ને હાલની પરિસ્થિતિમાં મહેકમ પૂરતું નથી। ગુજરાત કી કલાનગરી વડોદરા મે બ્લોક પ્રિન્ટેડ કપડું કા અદ્ભુત એક્ઝિબિશન રાધિકા ગોસ્વામી દ્વારા લગાયા ગયા હે। કલાનગરી વડોદરા મે હર કલા કે લિયે એક અલગ પહેચાન ઓર ઉસે પસંદ કરને વાલા એક અલગ વર્ગ ભી હે। એસી હી એક કલા હે બ્લોક પ્રિન્ટિંગ। બ્લોક પ્રિન્ટિંગ કર કઈ તરહ કે કપડે તૈયાર કિયે જાતે હે જિસકા એક્ઝિબિશન વડોદરા કે અલકાપુરી કી ત્રિશા ગેલેરી મે જારી હે। વસનમ નામક યે એક્ઝિબિશન રાધિકા ગોસ્વામી ને લગાયા હે જિસમે સ્ટોલ દુપટ્ટા ડ્રેસ મટીરિયલ સાડી કી અદ્ભુત રેન્જ દેખને મિલ રહી હે। ब्लॉक प्रिंटिंग वाले कपड़े कई लोगों को बहुत पसंद होते हैं, इसी के चलते यहाँ लोग बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए पहुँच रहे हैं। मेरा बुटीक है 62 विश्वास कॉलोनी नेक्स्ट टू पुनीत ट्रैवल्स। मैं ब्लॉक प्रिंटिंग करती हूँ, कॉटन्स सिल्क मसलिन टसर सिल्क मेनली। आप देख सकते हैं कॉटन के सूट्स हैं, आई इवन कीप रेडीमेड गारमेंट्स आल्सो, और सब कुछ ब्लॉक प्रिंट्स मेरी खुद की डिज़ाइन होती है। अभी मेरा त्रिशा गैलरी में 20 और 21 फरवरी में एग्जीबिशन था एंड उसके बाद कल से अगर आप किसी को भी आना है तो आई वुड लाइक टू इनवाइट, प्लीज़ आइए एक बार मेरा सब आप स्टॉक देखिए, आई एम श्योर यू ऑल विल लव इट। बिल्कुल पीछे ही है त्रिशा गैलरी के, यही बिल्डिंग में बैक साइड विश्वास कॉलोनी, और बुटीक का नाम है वसनम बुटीक। मेरे पास कॉटन्स हैं, टसर सिल्क है, मोडाल है, मुंगा सिल्क है, कोटा सिल्क है, और जो भी मैंने आपको मटीरियल्स बताए उसमें दुपट्टास भी है, ड्रेस मटीरियल्स भी है, और सारीज भी है, और महेश्वरी। विश्व मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में गुजरात के दंतेश्वर की बरुड़ा हाई स्कूल में कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को मातृभाषा के प्रति जागरूक किया गया। वडोदरा के दंतेश्वर में बरुड़ा हाई स्कूल है। बरुड़ा हाई स्कूल में गुजराती माध्यम के छात्रों ने विश्व मातृभाषा दिवस पर एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें गुजराती भाषा के महत्व को साकार करती विभिन्न प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें प्राचीन गरबा बाल गीत नृत्य काव्य हास्य संवाद प्रभातियां गजल जैसी प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर छात्रों को मातृभाषा का महत्व प्ले कार्ड और नारेबाजी के जरिए समझाया गया। मातृभाषा को जीवंत रखने के इस प्रयास में स्कूल के शिक्षकों और छात्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। देश का सबसे पहला ऑनलाइन स्मार्ट पार्किंग प्रोजेक्ट गुजरात में अहमदाबाद के सिंधु भवन रोड पर शुरू किया गया है। अहमदाबाद में दिन प्रतिदिन ट्रैफिक की समस्या में बढ़ोतरी हो रही है। ट्रैफिक की समस्या दूर करने के लिए अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, उन्हीं में से एक है ऑनलाइन स्मार्ट पार्किंग प्रोजेक्ट। अहमदाबाद के सिंधु भवन रोड पर स्मार्ट पार्किंग का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है।
जिसके तहत निश्चित स्लॉट में वाहन पार्क करते ही वहां लॉक हो जाएगा और जब वाहन वापस लेना हो तब QR कोड स्कैन कर एक लिंक के जरिए अपना वाहन वापस लिया जा सकेगा। विगत तो एवी छे के कोई पण विजिटर जारे कोई पण शॉपिंग मॉल छे के गार्डन छे के कोई पण जगह विजिट करवा आवे छे तो एने फर्स्ट चार मिनिट छे एनी साथे आवेला जेटला पण माणसो छे ते गाड़ी माथी उतरी जाए एनो टाइम मळशे। एना पछी चार मिनिट पछी आ जे पार्किंग बेरियर तमे जोई शको छो के रेड कलर नो जे पार्किंग बेरियर छे ए अप पोजिशन में आवी जशे एटले तमारी गाड़ी जे छे ए लॉक थई जशे। तमे तमारा जे रोजिंदा जीवननुं जे पण काम छे पतावीने तमे पाछा आवो छो पछी तमारे ज्यारे गाड़ी अनलॉक करवानी होय छे त्यारे सिम्पल तमारे फोन में मोबाइल एप्लिकेशन का तो कोई पण जे QR कोड स्कैनर होय एनाथी कोड स्कैन करवानो रहेशे के जे मशीन उपर लागेलो छे એમાં તમને એક લિંક પ્રાપ્ત થશે એ લિંક ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે તમે રીડાયરેક્ટ થઈ જશો ને તમને બધી ડિટેલો બતાવશે એમાં કે તમે અત્યારે એક્ઝેક્ટ કયા લોકેશન પર ઊભા છો કયા ઝોનમાં તમારી ગાડી પાર્ક છે કયા સમયે તમે ઇન ટાઈમ હતો કયા સમયે તમે અત્યારે અનલોક કરવા માંગો છો ગાડીને એ તમે ડિટેલ્સ જોઈ શકશો અને એના ઉપરથી એક ઓટોમેટિક ફેર કેલ્ક્યુલેટ થઈને આવી જશે। એની નીચે તમે અનલોક કાર ઉપર ક્લિક કરશો તો તમે તમારી ગાડી અનલોક કરી શકો છો અને જે પાર્કિંગ બેરિયરનું જે પાછળનું બેરિયર જે અપ પોઝિશનમાં હતું એ ડાઉન પોઝિશનમાં થઈ જશે અને તમે તમારી ગાડી અનલોક કરી શકો છો। ફિલહાલ એ પાર્કિંગ ફ્રી રખા ગયા હે। अगर ये प्रोजेक्ट अहमदाबाद में सफल होता है तो अलग अलग जगहों पर ऐसे स्मार्ट पार्किंग बनाकर अहमदाबाद के लोगों को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाई जा सकेगी। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड़ ने चार्ज संभालने के बाद पुलिस सिस्टम में कई सुधार किए हैं जिससे यहाँ कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है। आगरा के पुलिस कमिश्नर के रविंद्र गौड़ अपना कार्यभार संभालने के बाद एक्शन में आ गए हैं जिसके चलते पुलिस की कार्य प्रणाली में ईमानदारी के साथ साथ कर्तव्य निष्ठा भी दिखाई देने लगी है। इसी क्रम में पुलिस कमिश्नर ने प्रेस वार्ता कर सिटीजन चार्टर के रूप में समस्त सत्यापन योजना को लागू किया। उनका शुरू से ही जुआ सट्टे को लेकर कड़ा रुख रहा है। इसी का नतीजा है कि हजारों सट्टेबाज और जुआरी अब असामाजिक कार्य न करने का शपथ पत्र पुलिस में दे रहे हैं। आगरा पुलिस कमिश्नरेट में जो विभिन्न प्रकार के वेरिफिकेशन को समय बद्ध तरीके से निस्तारण के लिए एक व्यवस्था बनाया गया है। सिटीजन चार्टर के रूप में हम लोग हमारे पास जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, पासपोर्ट वेरिफिकेशन, किराएदार का सत्यापन और अन्य प्रकार के सत्यापन के जितने भी समय सीमा का निर्धारण किया गया आज से इसको लागू कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग FIR की कॉपी और पोस्टमार्टम की कॉपी जो वादी है उनको भी घर पे पहुंचाने की भी व्यवस्था लागू कर रहे हैं। जन शिकायतों के निस्तारण के लिए IGRS पोर्टल पे जो भी एप्लीकेशन हमें प्राप्त होता है उनको 24 घंटे के अंतर्गत उनसे संपर्क साध के उनकी समस्या का निस्तारण के लिए भी प्रयास करें। इसके साथ साथ टूरिज्म में और ट्रैफिक में भी जनता के हित के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं और ये सारी चीज हम लोग आज से लागू कर रहे हैं। गुजरात के अरवली जिला के धनसुरा में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने की घटना सामने आई। अरवली के धनसुरा के काजला फलिया में आग की दुर्घटना के चलते लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। गोदाम में आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया है लेकिन इस आग दुर्घटना में दुकान में रखा हुआ कबाड़ जलकर खाक हो गया है। स्थानीय निवासियों ने इस आग को बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की। अच्छी बात यह है कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। भीषण दुर्घटना के चलते आग की लपटें दूर दूर तक देखी जा रही थी। ऐसे में सैकड़ों की संख्या में लोग भी मौके पर जमा हो गए। छत्तीसगढ़ के गोरिल्ला पेंजा मरवाही में किसानों ने मरवाही राजस्व निरीक्षक अभिषेक त्रिपाठी के बारे में कलेक्टर और SDM से लिखित शिकायत की है। छत्तीसगढ़ में गोरिल्ला पेंजा मरवाही को जिला बने हुए 4 साल का अरसा बीत चुका है। उसके बावजूद भी यहां किसान भाइयों को राजस्व संबंधित कार्यों के लिए दर बदर भटकना पड़ता है। किसानों ने राजस्व निरीक्षक मरवाही अभिषेक त्रिपाठी के ऊपर आरोप लगाए हैं कि किसान भाइयों को राजस्व कामकाज के संबंधित कार्य के लिए वे बहुत ज्यादा घुमाते फिराते हैं। इस मामले की शिकायत GPM कलेक्टर और मरवाही SDM से लिखित में करते हुए कार्यवाही की मांग की गई है। मेरा लगभग 2 साल से बंटवारा किया था मेरा भाई के साथ और उसके बाद ये बोला था कि मैं सीमांकन और नक्शा पटांकन करके दूंगा
इसके एवज में मैंने 17,000 रुपया भी दिया था उनको, और आज वो फिर भी नहीं कर रहे हैं, मेरे को मानसिक प्रताड़ना कर रहे हैं। बहुत दिन से मैं उनके चक्कर लगा रहा हूँ। पिछले साल मैं लगाया था सीमांकन, वो बोले कि मैं सीमांकन का आदेश, वो सीमांकन का वो लगाओ आवेदन, मैंने तहसील ऑफिस में सीमांकन का आवेदन लगाया फरवरी या मार्च में, है ना, याद तो नहीं है मुझे। उसके बाद इनके पास आर्डर गया तो ये बोले कि मैं आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा। फिर ऐसे तैसे आ गया जून, इन्होंने जून में आवेदन, फिर मैं गया इनके पास जून में, ये बोले ठीक है मैं 15 जून के पहले कर दूंगा। उसके बाद ये नहीं किए। उसके बाद तहसीलदार साहब को बताया, तहसीलदार साहब स्पष्टीकरण मांगे थे, इसने लिख के दे दिया कि नक्शा बटांकन नहीं हुआ, इसलिए इनका सीमांकन नहीं हुआ अपने बचने के लिए। फिर मैं इस साल नक्शा बटांकन के लिए लगाया आवेदन, 9 तारीख तक इनको करके देना था, 9, है ना, तो अभी तक ये नहीं किए। तो उस दिन मैं यहाँ दिया हूँ आवेदन, क्या नाम से, शिविर में, जिला शिविर में, और अभी तक अब ये आश्वासन दिए हैं, अभी तक काम मेरा नहीं हुआ है। शिकायत आई है राजस्व निरीक्षक त्रिपाठी के विरुद्ध, उस पर जांच करके अग्रिम कार्रवाई उच्च अधिकारी को अवगत कराया जाएगा। अग्रिम कार्रवाई जांच करके इसके खिलाफ दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। मध्य प्रदेश की मंदसौर पुलिस को 36 घंटे के अंदर अंतर्राष्ट्रीय लुटेरों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बीते दिनों हुई लूटपाट की घटनाओं का पर्दाफाश मंदसौर पुलिस ने कर दिया है। दो आरोपियों ने मंदसौर में 2 दिन पहले चेन स्नैचिंग की 2 वारदातों को अंजाम दिया था, जिसमें 2 महिलाओं के गले से चेन और मंगलसूत्र खींच लिए गए थे। दिन दहाड़े घटी इस चेन स्नैचिंग की वारदात की जांच में पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा और मुखबिर तंत्र की सहायता से प्रोफेशनल चेन स्नैचर जितेंद्र उर्फ भीमा की गैंग को पकड़ लिया है। आज करीब 2 दिन पहले यानी कि 18 तारीख को एक दो चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी लगातार, मतलब शाम के 5 से 5:30 के बीच में 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें एक प्रतापगढ़ पुलिया पे हुई थी और एक स्टेडियम के नूतन स्टेडियम के पास में हुई थी। दोनों में एक में मंगलसूत्र टूटा गया, लूटा गया था एक महिला का, और दूसरे में एक चेन लूटी गई थी। तत्काल ही टीम गठित कर दी गई थी क्योंकि सनसनीखेज वारदात थी और उसमें जितने भी सीसीटीवी कैमरे और पुराने इस टाइप के आदतन अपराधी रहे उन सभी की खोजबीन शुरू कर दी थी। तो इसमें ये क्लू निकल आया था कि आरोपी जो है जो प्रतापगढ़ से आए हैं। फिर मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दोनों आरोपियों की जो लोकेशन है वो हमें मिल गई थी, और साथ साथ इनका ये भी डिटेल निकल आया था कि कौन है ये। तो आरोपियों को राउंड अप किया तो इसमें 2 व्यक्ति हमारे हिरासत में आए, जिसमें कि एक व्यक्ति का नाम है भीमा उर्फ जितेंद्र जो कि सांवेर का रहने वाला है, दूसरा इशाक जो कि वर्तमान में वडनगर में रह रहा है परंतु मूलतः वो भी सांवेर का रहने वाला है। तो ये दोनों मोटरसाइकिल से आए थे घटना दिनांक को, और यहाँ पे 2 चेन स्नैचिंग की घटनाएं कही थी। इनसे जो चेन स्नैचिंग में जो मंगलसूत्र का पेंडेंट और प्लस सोने के मोती थे वो भी रिकवर हो गए, साथ साथ जो दूसरी चेन उन्होंने स्नैचिंग करी थी यहाँ पे नूतन स्टेडियम पे वो भी रिकवर कर ली गई है। जहां एक और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त नजर आ रही है, वहीं सरकार के ही कुछ अधिकारी और कर्मचारी सरकार की मंशा को ही ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उनाव की हसनगंज तहसील की बरोना नियामतपुर ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने हसनगंज के कलेक्टर को आवेदन दिया है, जिसमें बंगाल से आए विवेक सिंह द्वारा उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों की बार बार शिकायत के बावजूद भूमाफिया पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, उल्टा लेखपाल विनय तिवारी भी जमीन पचाने वाले की भाषा बोल रहे हैं। ऐसे में बार बार शिकायत आने से नाराज एसडीएम ने लेखपाल को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द सही रिपोर्ट पेश करने की बात कही है। टोटल 2.5 बीघे जमीन है, वहाँ पे आबादी से गलियारा गया है और दूसरा सेवकी नंदन ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, वहाँ पे जान से मारने की धमकी देता है। वहाँ पे हम कई बार प्रार्थना पर तहसील दिवस में दिया है, वहाँ टीम गठित होते जाती है 80,000 रुपया लेकर के, वहाँ पे 2 बार टीम गई कहते हैं 50 बार मैंने नाप आए, ये औरतिया पागल है, सही से नाप नहीं हो रही है, कहते हैं तुम्हारा रकबा हम नाप के नहीं दे पाएंगे। हमारे गाँव में एक बंगाल का आदमी आया है, उन्होंने जमीन खरीदी है 5 बीघे 4 बिसुआ, इस समय मौके पर कब्जा किए हैं 5 बीघे 14 बिसुआ, और हम लोगों के घूरा जमाने से पुरखों के चले आ रहे हैं, और उन्होंने हमारा घूरा बराबर करके अपनी गेट लगा दिया, अपना वहाँ पे पूरी जाली लगा के अपना खेत अंदर करे ले रहा, हम लोगों के घूरा हटा के जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो हम लोगों को उल्टा सीधा गाली देते हैं, कहते एक 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 उठा के सबको बंद कर देंगे, और कहता हमारी बीबी जज है, हमारी लड़की और लड़का हमारे बैंक के मैनेजर हैं। यहाँ पे शिकायत सर एसडीएम साहब ने कहा है कि टीम गठित करके भेजेंगे, इसके पहले भी लेखपाल गए हैं 6 बार, जय बार गए तय बार गलत गलत नापते हैं, 6 बार 6 तरीके से नापा है,
जी हम चाहते हैं कि वो जितना अपना खरीदा है वो उतना अपना नपवा के ले ले। जो हम लोगों की ग्राम सभा की आबादी, हम लोगों को घूरा डाल रहे हैं जमाने से, हम लोग गरीब है, हमारे लोगों को घूरा डालने की जगह नहीं, वो हमारी जगह छोड़ दे। पुलिस हम ही लोगों को उल्टा धमकाती है। अगर मर्द लोग आते हैं तो कहते हैं जितने मर्द आ जाएंगे सबको पकड़ के बधिया कर देंगे, अगर औरतें आएंगे तो उनको उठा के बंद कर देंगे। या कृष्ण कुमार मोहन जाते हैं यहाँ से मिश्रा थाने से, हर बार हम ही लोगों को धमकी देते हैं, जय बार जाते कहते सबको उठा के बंद कर देंगे। और जो विपक्षी है उसका साथ देते हैं, हम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, 116 कर देते, सब हम ही लोगों को पकड़ते हैं। बीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे बीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए बीएनएम टीवी। नमस्कार।